तुम्हारा स्वागत है। कोरोने के बाद बड़े दिन बाद हमारी आज ग्राम सभा कर दी ग्राम पंचायत रठियार की, और पहली बार इतनी जनसंख्या बच्चे तुम लोग आए, बड़ा धन्यवाद। जो इस तरीके की ग्राम सभा होना चाहिए थी, काम बड़ा भारी ज़्यादा है, तो मैं शुरू करता एजेंडे आज तुम्हारे क्या क्या एजेंडे ने। आज का एजेंडा हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, जेड़ा जे तुम्हारा घर घर जाके सर्वे हुआ था, हमारे 108 परिवार का परिवार ने अप्लाई किया था घर ताई, तो 108 परिवार तो ऑनलाइन सर्वे हो रहा है और सरकार जो चली रहा डाटा ने। अगला है मुख्यमंत्री आवास योजना, इस बीच जो हमारे पिछली बार सेल्फ पेयर है वो अस पढ़ के समझ रहे हैं, उस संदर्भ अगर बंदे कोई अपडेट करने या और नोए जोड़ने तो नोट जोड़ ही सकते। मुख्यमंत्री आवास योजना रिपेयर जो घर घर जो रिपेयर ना ही मिलता हमारे, कोई कुछ घर डे गया है या कोई प्राकृतिक आपदा या घर पे या कोई अग लग गई, तो उन्हें जो उन्हें नुकसान तो ही मरम्मत ना देंगे 35,000 रुपया। अच्छा पेंशन ताई जरा वृद्ध अवस्था कोई वृद्ध हो गई कोई विधवा है अपंग है उन्हें पेंशन ताई भी आज प्रस्ताव लेना चाहिए होना मेरा। अच्छा 2021-22 सेल्फ हमारा कोरोने की वजह कहीं ग्राम सभा नहीं हुई, तो पिछली मीटिंग में हमारे सरकार के आदेश हो गए भाई ग्राम सभा सेल्फ पास कर किया जाए, तो उसे असी सेल्फ पास किया रहा तुम्हारे इतवा कर देना। अगर उस बच्चे कोई छुट्टी रहा है कोई काम ऐड करवाना चाहता तो आज भी काम पवा सकते उस बच्चे। अच्छा एक सरकार की स्कीम है नरेगे बच्चे एक साल बच्चे 4 काम ऐसे होने जो बड़े 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 काम हो डंगे खेत रहे लगते हैं, पर बड़े काम होने चाहिए जो मंत्री लेवल बच्चे या सरकार उसे चेक कर सकती है भाई ये भी हमारी उपलब्धि सरकार की पंचायत की जब असं बड़े काम भी किए कोई जो रोड आई है कोई बड़ा पार्क आई है 15-20-25-30 लाख रुपये का काम कोई। उसके बाद 21-22 बच्चे पहले होंगे था हमारा 14 बीत स्कीम खत्म हो गई, उसके बाद चले 15 बीत आए होगा, तो उस भी काम सेल्फ हमारा पिछली उस मीटिंग में बनाया था वो भी तुम्हारे बताना है कौन कौन है। अच्छा वार्षिक बजट बनता हमारा जी पंचायत की इनकम कितनी है और खर्चा कितना आता, उस बच्चे हमारी निधि कितनी है जी, हमारा हाउस टैक्स आता कोई परिवार नकल की फीस आती कोई विवाह फीस आती, विवाह से तो खैर हमारे ट्रेजरी चल जाता उत्तर जमा कराना पैंता, पर बाकी जी हमारी इनकम है उसका ही खर्चा करते होंगे उधर बजट बनता ना। फिर कूड़ा एकत्रीकरण केंद्र जब स्वच्छता अभियान जोर शोर कहने चले करता कई साल का, तो उस बच्चे एक जगह कूड़ा इकट्ठा करने कोई तुम प्लान बनाना बड़ा बड़ा जो भाई प्लास्टिक की चीज़ें अलग होने तो गाने साने वाली चीज़ें अलग होना, उस पर चर्चा होनी अज सरकार की स्कीम है कि भाई जनमंच जो जनमंच हो हमारे चंबे ब्लॉक में या कुत भी जनमंच हों, तो उस जनमंच वाले दिन पंचायत ने अपनी पंचायत में स्वच्छता अभियान चलाना पाया और उधेरी फोटो फाटो ऑनलाइन करनी भाई असं ये काम किया। राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम योजना के लिए आपदा राहत वॉलंटियर बारे चर्चा, इन अस पहले भी नाम दिते हमारे दो दो चार चार बंदे ने नाम मंगे थे भाई कोई अपनी इच्छा कहने कोई आपदा प्रबंधन कोई कैजुअलिटी हो जाती कि जो केदारनाथ होया बे, तो उस हिसाब कने इच्छुक कोई जाना चाहता तो वॉलंटियर के नाँ देने से। कायाकल्प है तू जल स्रोतों की पहचान करना, पानी की कमी होया करती है इस वास्ते कोई अगर तुम्हारे ऐसे सोर्स नहीं जितने का तुम्हारे पीने का पानी या सिंचाई का पानी या कोई स्कीम बनी सकती तो उस पर भी चर्चा होनी, काम दिखाने तुम अभी सेल्फ जी पाने भी उस जल स्तर बढ़ाने तक स्कीम है। स्वयं सहायता समूह द्वारा सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड की बनाई हुई लिखाई का कार्य, सरकार की स्कीम है भाई हमारी स्वयं सहायता समूह की लेडीज ने उन्हें रोजगार देने ताई कई पढ़ी लिखी होंगी जो हमारे ये पंचायत के काम होंगे उस पर साइन बोर्ड लिखते असं, तो साइन बोर्ड लिखने के ताई अगर कोई इच्छुक है लेडीज तो उन्हें ट्रेनिंग देनी असं भाई साइन बोर्ड लिखो ताकि अभी जो पेंटर बाहर भेज देंगे बाहर कायर कराने पैदे तो वो लोकल हमारी ग्रुप की जो लेडीज ने पढ़ी लिखी वो आपू बोर्ड लिख देने तो उसने रोजगार मिल जाएगा इनकम का सोर्स बनाना नहीं, तो ये भी तुम अज ना लिखाए थे थोड़े थोड़े लिखाए थे इस पहले पूछे थे पर और कोई छुट्टी है तो काम पेंट लिखाई का काम सिखाना होना जो कोई बड़ा बड़ा मुश्किल काम नहीं है।
तो 4 पैसे कमा सकदी ग्रुप दी लेडी। प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध तथा प्राकृतिक पत्तल वे ढूंढने का प्रयोग करना, ये तो सब समझिए उन्हें, इस पर विचार तय करने सारे ने ये चीज़ सब प्लास्टिक खत्म कराना चाहिए। चलो ये बनाई देना फिर बाद विषय जो प्रस्ताव लिखने तो तुझे दिखाने अस कहने कहने लिखते चाहना होना। अच्छा वन अधिकार अधिनियम के मामलों बारे चर्चा, अगर कोई फॉरेस्ट राइट कमेटी जो वन अधिकार कमेटी बन रही हमारी मेरा कोई मामला है तो से भी आज डिस्कस हो सकता, कमेटी तो हमारी बने रही मोहालवा कमेटी बन रही सी, अगर कोई तुसी कोई काम कराना चाहते हैं तो हमारी पहले होनी हमारी वन अधिकार कमेटी मोहाल सभा, उसके बाद हमारी जी पूरी अब जिन्हें आज ग्राम सभा 50% कोरम चाहिए कम से कम। जैव विविधता कमेटी का गठन, ये भी हमारा पिछले बारी होया था, इस बारी फिर चाह हमारा जैव विविधता इसे गठन होना, तो ये भी असं बताना भाई कौन कौन आ सकते अंदर, इस संबंध एससी मेंबर होता एक एसटी रखना पैंता लेडीज ती हिसाब करता दिखाया जाना था तुम अपने अपने ना जैव विविधता कमेटी दिखाई सकते। फिर बननी हमारी पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी, पंचायत बच्चे कमेटी बननी आपदा प्रबंधन ने, अगर कुछ भी चीज़ की कोई आपदा आती कोई भूकंप आ जाता कोई कुछ आता तो वो कमेटी तुरंत एक्शन में आई तो मेरी हेल्प करनी ग्राम वाले जिन्हें जो नुकसान हो कुछ, अगर कोई मिस्त्री या कोई और ट्रेनिंग श्रमिक के लिए कोई प्रशिक्षण चाहता तो वो भी ना लिखाई देना, तो वो भी ट्रेनिंग हमारे देने पर वो है। एक हमारा चल रहा पर्यटन को बढ़ावा देने तीन चंबा चलो अभियान, तो से भी सारे पता होना भाई चंबा चलो अभियान चले वो लाए करते बोर्ड लाए करते, तो इस पर भी चर्चा करनी भाई क्या चाहती ग्राम सभा। अब कृषि खेती बाड़ी के बारे अंदर कोई कुछ ही हो कोई वो चाहता था अज डिपार्टमेंट देता नहीं ना रहे, पर कोई तू प्रस्ताव पाना चाहते तो कृषि खेती बाड़ी से उसने संबंधित कोई तो वो तुम इतने लिखाई सकते अभी संबंधित विभाग जो ट्रांसफर कर देना प्रस्ताव। परंपरागत शिल्प को बढ़ावा देना, ये असं बड़े बारी फार्म भर के भेजे थे तो हले तो कोई आया नहीं तेरा, इस था जो पुराने कोई कुम्हार है कोई तरखाण है या कोई कीलड़ी वगैरह टोकरी वगैरह बुनने वाले हैं या कोई सिलाई कताई का वो था, तो इस संदर्भ में कोई चाहते भाई हमारे कोई ट्रेनिंग दी जाए कोई कुछ किया जाए तो वह भी इतने बताई सकते लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। अच्छा समाजिक अंग एक श्रेय होता हमारा सोशल ऑडिट लंबित मामलों के समय योजना बारे, तो ये हमारा कोई लंबित नहीं है पैर हमारा कोई रिकवरी रिकवरी तो कोई नहीं है हमारी क्लियर हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस में लाभार्थियों का सर्वेक्षण पंजीकरण बारे, प्रधानमंत्री जो हमारे 108 बंदर अप्लाई किया था वो अस ऑनलाइन कर दिते हैं पंजीकरण हो गया ऑनलाइन, ये मुद्दा तार करे कई पूछते रहते भाई हमारा घर नहीं आया हमारा घर नहीं आया, तो ये कुछ फॉर्मेलिटी दी सेंटर सरकार ने उस लिस्ट का घर चुकने इस बारी क्राइटेरिया पता नहीं क्या होता 108 घर हमारे कुछ पहले आंदा कुछ क्या होना से ऑनलाइन ही होना सब कुछ, इस बारे अस नहीं बोल सकते भाई इसे पहले आना कुछ आना, जिसका एक कमरा है कोई कच्चा मकान है या कोई बड़ी बड़ी फैमिली है एक ही घर चले करते कुछ इस तरीके के वो आने नहीं प्राथमिकता सूची। इसके बाद हमारे उनका कोई परिवार अलग कराने वाला हमारा तो भी अज ग्राम सभा ने अनुमति देनी भी ये परिवार है उस बीच कंडीशन है सरकार ने लगाया कि स्वच्छ अभियान जो हमारा चले करता है तो उसने कंडीशन लगा रही जो बंदा अलग होना हो करता है उसका अपना टॉयलेट बने रहने चाहिए पहले, तो ग्राम सभा ने उसकी परमिशन देनी कि भाई इस तेरा टॉयलेट है और ये खुले भी सोच नहीं जाएगा और इसे अलग किया जाए। उसके बाद हमारी ढाई ढाई साल कमेटी बन दी होंगी एक बजट कमेटी एक निर्माण कमेटी, उन्होंने भी जी वार्ड वाइज एक एक बंदा बना उन्होंने बच्चे अध्यक्ष बनना 7 वार्ड हमारे तो 7 मैंबर बैने उसको, जो हमारा हर साल बजट तैयार होता बजट कमेटी ने उस योग करना तैयार करना पास करना फिर ग्राम सभा रखना अनुमोदन ताई, जी निर्माण कमेटी है उसने जो एक बजट कमेटी है ना उन्हें हमारा बजट बनना साल का तो वो बजट और कमेटी ने तैयार भी करना पास भी करना ग्राम सभा अनुमोदन ताई भी रखना, एक निर्माण कमेटी होने काम कुम दी
तीन काम कुम चेक करने काम ठीक हो करते उन्हें निगरानी रखनी उस चीज़ काम प्रॉपर हो। न्यारे न्यारे बंदरी लियो डाकिंग जोरे कर रही, ठीक है? तो लावा मुख्यमंत्री आवास योजना का सेल्फ बनू रहा तेरी मैं जा पहला नंबर श्रीमान और सुनो मक्कन साहू सेरा उजर कर, ठीक है? दूसरा नंबर बिंद्र सुनो सोभिया चनाड़ू, ठीक है? त्रीया सोभिया सुनो जनता डुगली, चौथा नंबर पावन सुनो भगतो रठियार ये उजरा, पंजवा नंबर दुन्नी सुनो मांगणू जलई, छठा नंबर करतार सुनो बालो बगेटी ये उजरा, सतवा नंबर देनो सुनो खैंको दियोड़ी, अठवा नंबर रतन लाल सुनो नंद लाल उपली म्याड़ी, नौवा नंबर ज्ञानो सुनो चुमारू तलाई, दसवा नंबर रिकणू सुनो भारिया बलोड़ी, ग्यारहवा नंबर अनिल सुनो नानकू डुगली, बारहवा नंबर राजो सुनो देवो म्याड़ी, तेरहवा नंबर कमल किशोर सुनो खितू डुगली। ये लावा अगर कोई आई आई डी पी वाला घारा वाला छुटता हुआ सारी मेरे को सुनाई है ना, मेरे का नहीं काम सर है ना, लावा आप बोल रहे हो ना, सर का कागज करना बड़ा बड़ा है ना, बुजुर्ग हां बुजुर्ग सर पे क्रैश हो गया, फिर कॉल आया तो ये तो भी इतना सीधा सा मैं बना होना तुझे करो ना बे लाइन अप पड़ पड़े ये ना तीन चार्जर बना है तेरे पास बुजुर्ग जी सेर है ना बुजुर्ग यार काम में वास्ते बदले ना तीन जाओ कारण 8 मिनट ये ऐसी प्रस्ताव है अगर काम आए तो भी साल लगे जाज बिलकुल कच्चे ठहरे वाले बड़ी साल भी बची हुआ था पैसा दोबारे पूरे चार पांच महीने पहले नंबर भी चाहता तो मेरा जोड़ो ना तुम हां जोड़ दे सब नहीं ना ना जी रहने दे कुछ पता है छोड़ता है तू सीता नहीं ना सका काम ये लोग कहते से भाई मेरा घर नहीं है तू पता तू फिर पब्लिक ने बोला भी नहीं क्यों सर तू पार्ट का ठीक है तू पार्ट वाले बंद नहीं किए ठीक है ना बाबू तुझे पता का नहीं तो सब नहीं उठिए ते आ जाना ना ना तेरा ये होना जरूरी है दत्त रे ना आई आर डी कलाम लगाने निकल यार भाई पता क्या इसने दे दिया कि नहीं सब आईआरडी भी बना ले थोड़ी कराओ सब आईआरडी बना ले आदत बाढ़ दे आईआरडी बाढ़ दे यार सारे ਜਮੂਤੀ ਜੀ ਆਪ
पटवारी मेरे खाता कढ़ाई लिए सोलह बीस गारा लेरा दीदा घोटे लेरा दीदा 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 गौरमेंट लोन चुकी कर रोटी दसी राशन फ्री दसी कन्न पछाकी लानी लानी नाम राम प्रकाश गांव डुगली पंचायत रठियार आज ग्राम सभा है ग्राम सभा में बोल रहा हूँ और आज जो काम लिख रहे हैं इसको मैं 12 साल पहले मेरे घर के नज़दीक गारा पड़ा था तब मैं क्रेट लिखवाए थे डंगा लिखवाया था घर डलवाया था मैं कोठे बीच रह रहा था और मेरा अभी तक नहीं हुआ है कोई काम नहीं हुआ है मेरा आज जो लिखवा मेरा जो काम है वो जल्दी होना चाहिए मेरे काम में इनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरा काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए नहीं तो मैं आप ही प्रशासन से मांग करूँगा जाके कि मेरा प्रशासन से कंप्लेंट करूँगा कि मेरा काम ये नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम जगदीश चंद गांव डुगली बाड डुगली पंचायत रठियार है। आज 2021 की पहली ग्राम सभा हो रही है और मैं आशा करता हूं कि सब जिन लोगों ने अपने अपने काम लिखवाए हैं और मैं सोचता हूं कि बिल्कुल पंचायत स्वच्छ छवि से काम करे और उन्हीं लोगों का पहले काम होना चाहिए जो उस काम के अधिकारी हैं और जिनको ज़रूरत है। ये ना हो कि किसी को पहले वो काम पहले किसी का हो गया और दोबारा फिर से उसका दोहराया जाए वो काम। तो मैं चाहता हूँ कि सभी ग्राम जिसका कोई सबसे पहले गरीब आदमी जो है उसका काम होना चाहिए और सबसे बड़ी बात ये है कि आज स्कूल के इस प्रेयर ग्राउंड में आज ये ग्राम सभा हो रही है तो मैं तो चाहता हूँ कि सबसे पहले पंचायत भवन का ही निर्माण होना चाहिए जो कि आम जनता के लिए अच्छा रहे। आज तो चलो मौसम भी साफ है, अगर बारिश होती तो कहाँ पर ये ग्राम सभा होती। तो मेरा इतना ही है कि पूरी पंचायत जो है प्रधान उप प्रधान और वार्ड मेंबर जो हैं वो अपनी अच्छी नियति से काम करें और सभी का उनके ऊपर भरोसा रहे यही मेरी कामना है। धन्यवाद। सुनील कुमार प्रधान ग्राम पंचायत रठियार विकासखंड मेला जिले चंबा हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले तो मैं आपका चंबा हलचल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जो है हमारे जनता के बीच में आए हैं और मैं ये पूरी उम्मीद है कि आप जो है स्थानीय लोगों की मांगों को प्रशासन के समक्ष और जो सरकार तक पहुंचाने में जो है लोगों की मदद करेंगे। तो आज 15 तारीख की ये जो विशेष ग्राम सभा हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश अनुसार रखी गई है इसमें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत और किसी भी आपदा प्रबंधन की वजह से अगर किसी के घर को नुकसान हुआ है तो उसके लिए जो है इसमें एक सेल्फ जो है हमने तैयार करके जो है आगे भेजना है स्वीकृति हेतु। लेकिन उसमें से जो है हमने हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 108 घरों का जो ऑनलाइन सर्वे जिसकी जियो टैगिंग करके हमने डिपार्टमेंट को आगे भेज दिया है सरकार को मंजूरी हेतु। उसके अलावा
अगर कोई आदमी उससे छूटा है और कोई किसी प्राकृतिक आपदा या किसी वजह से किसी के घर को नुकसान हुआ है तो उसका जो हम मुख्यमंत्री योजना में उसके सेल्फ में उसका नाम डालेंगे। और इसके बाद जो है हमारा 2021-22 के लिए जो नरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्य हैं उनका जो है सेल्फ हमारा जो पीछे कोरोना काल की वजह से जो आम पंचायत में बना था उसको जो हमने इसमें पारित करके उसमें अमेंडमेंट करके जैसे कोई किसी का काम अगर पहले छूट गया हो तो उसको डाल के जो हम जो अपने सक्षम अधिकारी को आगे भेजेंगे। और उसके अलावा जो है एक जैसे पहले सरकार का 14वीं वित्तीय का वो था प्रोग्राम उसके बाद जो है अब 15वां वित्तीय शुरू हुआ है उसके तहत भी हमने जो है पिछले साल 2020 में जो पंचायत मीटिंग में ग्राम सभा न होने की वजह से जो हमने डाला सेल्फ उसका जो इसमें अनुमोदित करेंगे कि उसमें अगर कोई काम छूटा है उसको डालना है या कोई कार्य या किसी अदर मद से हुआ हो अदर हेड से हुआ हो जैसे नरेगा से या किसी BKBNY या किसी भी मतलब प्लानिंग हेड से तो उसमें उसकी कांट छाट होगी। और इसके बाद जो है हमारा जो तीसरा वो है इसमें 15 मितियों के बाद जो है एक हम कमेटी का गठन करेंगे जैव विविधता प्राधिकरण। उसमें ये है कि जो हमारे पंचायत के जो लोग हैं उसमें से ST SC महिलाओं सबको प्योरिटी के आधार पे उसमें जो है डालेंगे और उसका एक जो है ग्रुप बनाएंगे। इसमें ये उसका ये फ़ायदा होगा लोगों को कि जैसे हमारे जो पंचायत एरिया में अगर कोई जड़ी बूटी या कोई ऐसी नेचुरल कोई ऐसी महंगी बिकने वाली जैसे हमारे यहाँ गुच्छियाँ होती है तो उसका एक हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और जो है जितनी सारी ये जड़ी बूटियाँ हमारे एरिया में अगर निकलती है तो उसको हम एक पंचायत के माध्यम से उसकी एक एंट्री करके संबंधित विभाग को जो आगे भेजेंगे और जो है लोगों को उसका जो है उचित दाम मिलेगा। और इसके अलावा बाकी जो ग्राम सभा के एजेंडे हैं उसमें 20-22 काम जो है सरकार की तरफ से निर्धारित किए उसको जो है इसमें ग्राम सभा में डालेंगे हम। बाकी जो अन्य मांगे जैसे किसी की पानी की बिजली की समस्या जो है उस संबंधित विभाग को आज पास करके भेजेंगे हम। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जो आप यहाँ पधारे और बाकी यहाँ पर जो जितनी भी उपस्थित जनता मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इस नए कौरम की जो है पहली ग्राम सभा में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और मुझे उम्मीद है कि यही ऐसे ही आगे आते रहेंगे और इनके जो है काम जो है समय समय पर हम निपटाते रहेंगे जितनी हमारी कोशिश है उतनी ज़्यादा करेंगे। मैं सचिव ग्राम पंचायत रठियार, आज हमारी ग्राम सभा की मीटिंग है जिसमें कि लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और मेरी उनसे यही गुजारिश है कि शांतिपूर्वक बैठ के जो हमारे एजेंडे में प्रस्ताव पारित होने हैं ग्राम सभा द्वारा उनको अपनी सर्वस्वीकृति से पास करवाएं, उस पर विचार विमर्श करके लड़ाई झगड़ा या हल्ला न करें जिससे कि हमारे जो आप ही लोगों के काम हैं वो अधूरे रह जाएं। सर क्या क्या एजेंडे हैं आज का एजेंडा? ही हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना मुरम्मत और जिसमें कि प्राकृतिक आपदा के कारण जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके लिए मुख्यमंत्री योजना मुरम्मत के तहत लाभार्थियों का चयन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे वृद्धावस्था, अपंगता या विधवा उसमें लाभार्थियों को चयन किया जाएगा। वर्ष 2021 के लिए मनरेगा कार्य योजनाओं के सेल्फ व बजट का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। अगर कोई काम छूट गए हैं तो उसको ग्राम सभा ऐड कर सकती है। इसी के साथ जो 1 साल 4 काम योजना है उसमें ग्राम सभा द्वारा 4 बड़े बड़े कामों को स्वीकृति देनी है जो कि बड़े काम हो। 2021-22 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना 15वां वित्त आयोग के सेल्फ का अनुमोदन भी ग्राम सभा द्वारा किया जाना है। 21-22 के लिए ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट का अनुमोदन भी ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। निर्माण कूड़ा एकत्रीकरण केंद्र तथा प्लास्टिक किराए व प्लास्टिक पर प्रतिबंध बारे चर्चा होगी। जनमंच आयोजन तिथि को निर्धारित स्थान पर स्वच्छता श्रमदान करने निर्णय लिया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम योजना के लिए आपदा राहत वेंटिलेटर के बारे पर चर्चा होगी। कायाकल्प हेतु जल स्रोतों की पहचान की जाएगी। वर्षा जल संग्रहण हेतु पंचायत घर व सरकारी संस्थानों पर जल संग्रहण संरचना का निर्माण व सौर यंत्र स्थापित करना। स्वयं सहायता समूह द्वारा सिटीजन इन्फॉर्मेशन बोर्ड जो हमारे जो डेवलपमेंट वर्क है उन पर जो सिटीजन बोर्ड लगता है उनको बुनाई व लिखाई के कार्य करवाने पर चर्चा होगी।
प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध तथा प्राकृतिक पत्तल व डूना का प्रयोग करना पर चर्चा होगी। वन अधिकार अधिनियम के मामलों बारे चर्चा की जाएगी। जैव विविधता कमेटी का गठन किया जाएगा। पंचायत आपदा प्रबंधन कमेटी का गठन किया जाएगा। कोई मिस्त्री या कुशल श्रमिक के लिए कोई प्रशिक्षण लेना चाहता है तो वो अपना नाम यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं, उसको हम संबंधित विभाग को प्रशिक्षण के लिए भेज देंगे। चंबा चलो अभियान पर भी चर्चा की जाएगी। कृषि की विविधता वे IHB की कार्य सूची बारे चर्चा। परंपरागत शिल्प को बढ़ावा देना, जिसमें हमारे जो परंपरागत काम आ जाते हैं, लोहार आ गया, कुम्हार हो गए, या कोई टोकरी बनाने वाले, सिलाई कढ़ाई से पुरानी कोई भी है तो उसमें भी चर्चा होगी अगर कोई करना चाहता है इसको। फिर सामाजिक अंकेक्षण के तहत जो लंबित मामले हैं उस पर भी हमारी चर्चा की जाएगी ग्राम सभा में। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस में लाभार्थियों का सर्वेक्षण पंजीकरण वाले प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। ग्राम पंचायत के ऑडिट अनुसार जो भी लंबित पैरे हैं वो भी ग्राम सभा में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पंचायत के परिवार अलग करने हेतु जो आवेदन हमारे पास प्राप्त हुए हैं उनको भी ग्राम सभा के समक्ष अनुमति हेतु रखा जाएगा, ताकि उनको भी परिवार विभाजित करने हेतु ग्राम सभा अपनी अनुमति प्रदान करे। उसके बाद हमारी होती है एक बजट कमेटी बनती है और एक निर्माण कमेटी जो ढाई ढाई साल के लिए होती है, तो उसमें भी हमारे कमेटी का गठन किया जाएगा। बाकी जो मुद्दे ग्राम सभा की पब्लिक जो है जो इकट्ठी हुई है वो बताएंगे, तो वो भी इसमें ग्राम सभा की बैठक में दर्ज किए जाएंगे। बजट कमेटी के जो ये कमेटी बनेगी कितने दिन और ये बन चुकी है या नहीं? अभी आज बननी, आज ठीक है, ठीक आज ही ना, दो कमेटी बननी, दो ढाई ढाई साल के लिए होगी। सर अभी तक जो है कितने मुद्दे जो है यहाँ पे डिस्कशन जी? अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है डिस्कशन हो चुकी है, क्योंकि हमारे 108 परिवार ने आवेदन किया था तो उसमें सारे ऑनलाइन कर दिए हैं, आधार कंसेंट फार्म भी उनकी ऑनलाइन हो गई है अब। और उसके बाद मुख्यमंत्री योजना पर चर्चा चल रही है तो उस पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है, तो अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है, तो अभी हमारी कार्रवाई हमारी शुरू हो चुकी है, तो अब हम ग्राम सभा में चाहेंगे कि सहयोग करें ताकि ये आज की हमारी ग्राम सभा पूरी हो जाए। मैं रिंकू सन ऑफ श्री जर्मो गाँव म्याड़ी। हमारे देश की वर्तमान सरकार और विशेष कर मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पंचायतों को संरक्षण और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की, परंतु खेद का विषय यह है कि हमारी ग्राम्य पंचायत रठियार अभी भी पिछड़ेपन के दौर पर गुजर रही है। पंचायत रठियार मैला ब्लॉक में पड़ती है और आर्थिक आंकड़ों को देखा जाए तो करोड़ों रुपये इस पंचायत का विकास के कार्यों में खर्च हुए हैं, जबकि जमीनी स्तर पर हालत बद से बदतर है। जितने भी काम इस पंचायत में पिछले 4-5 सालों में हुए केवल कागजों की खानापूरी की गई है। इस पंचायत में एक जागरूक नागरिक होने के कारण मैंने 2019-20 से पंचायत में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा BDO दफ्तर मैला से मांगा है, जिस सूचना का इंतजार किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर और उनका विश्लेषण करने के उपरांत धांधली पाई जाने पर कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। उदाहरण के तौर पर गेट खजियार रोड पर बनाए गए शौचालय को देखा जाए तो एक दिन भी प्रयोग में नहीं हुआ है और ना ही होने के काबिल है। RTI द्वारा मांगी गई सूचनाओं का इंतजार है, मिलने पर प्रॉपर फॉर्म भर के शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। और एक हमारा जो है सबसे मेन मुद्दा है हमारा जो पोलानी मंदिर है वो जो है हमारी पंचायत में पड़ता है, जबकि वहाँ पे जो है हमारे डोलोजी कमेटी वहाँ पे राज कर रही है। क्या हमारी हमारे पंचायत में कोई बेरोजगार नहीं है? उनको वो जो है कमेटी अपने अंडर लानी है, रठियार पंचायत के अंडर आए। सबसे मेन मुद्दा ये है जो आज यहाँ पे ग्राम सभा हुई है, भारी से भारी लोगों ने यहाँ पे आके अपना योगदान दिया है। पर एक बात उसमें बीच में मेरे को लगी है कि कुछ लोगों ने बताया कि जो हमारे जो अपने यहाँ के चौकीदार हैं पंचायत के, वो जो है हर एक घर में नहीं गए, किसी के घर में गए हैं, किसी के साइन करवाए हैं और किसी के नहीं करवाए हैं। उनसे निवेदन है कि हर एक घर में जाके जो है हर एक बंदे को साइन करवा के लेके आए। कुछ लोगों के साइन नहीं हुए, वो बोलते हमें पता ही नहीं है ग्राम सभा है।